प्रियंका गांधी के जनसभा में लाखों की तादाद में जनता हुई शामिल। कानपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया कानपुर में विशाल जनसभा का आयोजन, जिसमें लाखों की संख्या में जनता ने किया प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत। बताते चले, गोविंद नगर विधानसभा में प्रियंका गांधी ने जनसभा का आयोजन किया। प्रियंका गांधी ने लाखों की तादाद में अपने समर्थकों को देखकर जनता का धन्यवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की ताकत क्या है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ सामने दिख रहा है। प्रियंका गांधी ने कानपुर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनता से की वोट की अपील और स्थान वहां पर मिल सके। और एक बार सारी महिलाएं मेरे साथ नारे लगाएंगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़की हूँ। कैसे इतने धीरे से कैसे लड़ेंगी, लड़ना है भाई, लड़की हूँ, खड़े होकर लड़की हूँ, हाथ उठाकर लड़की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वीरेंद्र सिंह यादव जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आकर के अपनी बात कहें। आदरणीय वीरेंद्र सिंह यादव जी। अब लोग साथ साथ आए, पूर्व विधायक गण, माननीय प्रियंका जी, आपके बीच में करिश्मा ठाकुर को जिताने की अपील करने आ रही है। करिश्मा तो दो साल पहले ही चुनाव जीत जाती उपचुनाव में, लेकिन सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से हमको चुनाव हारना पड़ा। आपके बीच में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सरोजनी नगर में चुनाव राजीव वर्मा जी अनिल जो बीच की लाइट गड़बड़ हो गई है, मैं चाहती हूँ उसको आप ठीक करवाए, जो भी हमारी व्यवस्था में लगे हैं। ये शुक्ला जी हमारे शास्त्रीय नगर से, इनका भी धन्यवाद करती हूँ। जो सिया सिया जिसके पास हो एक बार उसको ऊपर जरूर लाए। प्रियंका रिकु यादव जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। शासी नगर के हमारे भाई हैं राजीव वर्मा जी, संजय नगर और जयप्रकाश बस्ती से हमारे राजीव वर्मा जी और माताएं बहने आई हैं, उनका भी ये बहन बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती है। हमारे बीच में हमारे प्रभारी आ चुकी हैं, हमारे बीच में आदरणीय प्रियंका गांधी जी आ रही है। स्वागत करते हैं, वर्षा जी आपका भी स्वागत है। हम चाहेंगे हमारे अध्यक्ष हरि किशन भारती जी और जो हमारे पूर्व विधायक नेकचंद पांडे जी, अब्दुल मन्नान जी, सब लोग, रविदास जी की आज जयंती है तो इसी अवसर पर स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। नेकचंद पांडे जी, उदय नारायण जी, अशोक मिश्रा जी, मनीष जी, हम चाहेंगे आप लोग उनको भेंट करें। इसी क्रम में क्योंकि आज रविदास जयंती, हम चाहते हैं हमारे पार्षद लवी गंभीर जी, जेपी पाल जी आए और अम्बेडकर जी की
मूर्ति अंबेडकर जी की फोटो प्रियंका जी को भेंट करें। आप हम सबकी बेटी करिश्मा ठाकुर, हम ये जैना पैलेस में आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जनसभा ये बाबा साहब का चित्र पार्षद देते हुए और करिश्मा ठाकुर माँ दुर्गा का चित्र भेंट करेंगी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को करिश्मा ठाकुर जी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी बना गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रियंका जी हमारे बीच में हैं, मंच पर सम्मानित सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे सामने उपस्थित गोविंद नगर की पूजनीय जनता को, माताओं बहनों को, हमारे साथियों को मेरा प्रणाम है। और क्योंकि प्रियंका जी को जाना है तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि 2019 में करिश्मा ठाकुर ने गोविंद नगर का विधानसभा लड़ा था, हमारे लिए ये क्षेत्र नया था, यहाँ के लोग नए थे, ये वार्ड नया था, लेकिन फिर भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब एक बेटी को, एक महिला को गोविंद नगर का टिकट दिया तो यहाँ पर उपस्थित हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से 20 दिन के अंदर 40,000 वोट प्राप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी को गोविंद नगर के अंदर हुआ। हमने आप लोगों से वादा किया था कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, हम हारे या जीते, हम सदैव गोविंद नगर की जनता के बीच में रहेंगे और रहे हैं। और आपसे बस ये कहते हैं कि प्रियंका जी को आदरणीय दीदी, आपका बस दीदी बस 2 मिनट का समय चाहेंगे। मैं आप लोगों से बस ये कहती हूँ कि हाथ उठाकर प्रियंका जी को ये बताइए कि इस बार गोविंद नगर का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है या नहीं है। बताइए प्रियंका जी को, प्रियंका गांधी अपनी नेता को मैं आमंत्रित करती हूँ और ये कहूंगी कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी, आपका गोविंद नगर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रियंका जी को सुनने के सब बेताब है आदरणीय प्रियंका जी। बहनों भाइयों, आज पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आपकी प्रत्याशी करिश्मा जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं जानती हूँ आप काफी समय से इंतजार कर रही हैं, महिलाएं मुझे शायद अंधेरा हो गया तो दिख नहीं रही है कि कितनी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं दोनों भाई और बहन। और मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा आपने इंतजार किया और मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। देखिए, चुनाव कुछ ही दिनों में है, आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं कि परिस्थितियां क्या है और आपकी समस्याएं क्या है। आपकी समस्याएं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार है, आपकी शिक्षा और सेहत की जो सुविधाएं हैं, ये आपकी समस्याएं हैं। यहाँ कितने नौजवान लोग हैं, हाथ उठाओ, आप पीछे करो, अब बताओ आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला। यहाँ पे एक समय में जो लेदर की
यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, छोटे छोटे मध्यम बिजनेस है, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। बहुत पीछे से आ रहा है, पीछे ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, जो भी आप सबने आपके हाथ उठा, आप हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, बहुत आगे आ रहे हैं। मेरी बहने पीछे से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन पांच सालों में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जितने भी छोटे बिजनेस हैं, छोटे दुकानदार हैं, मध्यम बिजनेस हैं, सारे के सारे बहुत ही बुरी संकट में हैं। पहले इस सरकार ने अपनी नीतियों की ऐसी नीति बनाई नोटबंदी, आप सबको क्या कहा, आपको कहा ना कि काला धन वापस आ रहा है। आप बताइए कोई काला धन आपने देखा? आपको कहा गया कि बड़े बड़े अमीर लोगों को हम लाइन में खड़ा कर रहे हैं। आज कौन लाइन में खड़ा है? सिर्फ और सिर्फ ये सरकारें, भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अमीरों के लिए चलती है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए चलती है, उनके लिए लोन भी माफ, उनके लिए पॉलिसी भी बनती है, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कुछ नहीं बन रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने बजट निकाला, बजट में इन्होंने छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ दो चीजों के सहारे चल रहे हैं। सबसे पहला, जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, आपके सामने आकर प्रचार कर रहे हैं, धर्म और जाति के आधार पर प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला उनके लिए यही मुद्दा है, उनको मालूम है कि चुनाव आएगा, आपसे वोट, अपने जज्बातों में आपसे वोट मांगेंगे, वोट मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। बस पांच सालों में काम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मदद करने की, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जवाबदेह नहीं बनाया। क्योंकि वो सोचते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मिल जाएगा, नैया पार हो जाएगी, फिर से सरकार बन जाएगी। ये स्थिति है राजनीति की आपके प्रदेश में। दूसरी बात, इन्होंने आपको एक बड़ा राशन पकड़ा दिया, महिलाओं को एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े बहुत पैसे आपके खाते में डाल दिए, आपको इन चीजों का निर्भर बना दिया, आपको रोजगार नहीं देंगे। सुन लीजिए ध्यान से, नारे मत मारिए, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ, आपको रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को सक्षम नहीं बनाएंगे, छोटे दुकानदार और छोटे बिजनेस और मध्यम बिजनेस की मदद नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनके एक बोले राशन पर और थोड़े बहुत पैसों पर निर्भर रहे, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका विकास ना हो। यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन विकास नहीं करते, आपको आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आप सवाल उठाना शुरू करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आप हमारे मंच पे आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पेट कैसे भरेगा? आज आप पूछ नहीं रहे हैं ये सवाल, और मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सवाल पूछना शुरू करें। यहाँ जितने भी छोटे दुकानदार हैं, पूछे क्या गुनाह किया था आपने कि आप पे नोटबंदी थोपी गई, आप पे GST थोपी गई, कोरोना लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुसीबतें आपने झेली, लेकिन आपके लिए कोई आया नहीं मदद करने के लिए, आपकी तिरंगी भर सहायता नहीं हुई, कोई सपोर्ट स्कीम नहीं हुई, आपके लोन माफ नहीं हुए, आप तब भी बिजली के बिल भर रहे थे जब कोरोना का लॉकडाउन था, आपकी कमाई नहीं हो रही थी, स्कूल की फीस आप भर रहे थे, आप बिजली की बिल भर रहे थे, किसी ने कोई छूट दी आपको? क्यों नहीं दी? सुन लीजिए, आप कानपुर के लोग हैं, एक समय में ये शहर दिल्ली से बड़ा होता था, यहाँ बड़े बड़े उद्योग होते थे, रोजगार होते थे, कोई अंबानी अडानी आपके लिए रोजगार नहीं बनाएगा, रोजगार बनाने वाले यही खड़े हैं,
छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग यही रोजगार बनाते हैं। क्यों मदद नहीं हो रही है इनकी, क्यों रोजगार नहीं बन रहे हैं? ये सरकार लाखों पद खाली छोड़े हैं। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली हैं। क्यों नहीं भरे? क्या उनको नौजवान नहीं दिख रहे हैं बेरोजगार इस प्रदेश में? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान है। 12 लाख खाली पद है। 5 सालों में मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा की सरकार ने ये पद भरे नहीं, भरे नहीं। अब चुनाव है कह रहे हैं रोजगार देंगे, अब चुनाव है कह रहे हैं 1 सिलेंडर नहीं 2 मिलेंगे, अब चुनाव है तो महिलाएं याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि हमने महिलाओं को सशक्त करने की बात की, हमने महिलाओं को कहा आप अपनी शक्ति समझो, अपने बच्चों के लिए आप एक मजबूत भविष्य चाहते हैं ना। आज मैं रोड शो में थी, मैंने देखा एक महिला रो रही है, मैं उसके पास गई, उसकी 19 साल की बच्ची थी, वो इतना रोई कि उसकी आंख सूज गई, आंसू निकल नहीं पा रहे थे थोड़े समय बाद, मुझे लगा बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने मुझे बोला कि 1.5 महीने पहले उनकी बेटी का बलात्कार हुआ है, उनकी बेटी को मार डाला है। कहती है मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ, मैं पुकारती हूँ, मेरी बेटी नहीं आती। मेरे आंखों में भी आंसू भरे क्योंकि मेरी भी 19 साल की बेटी है, मैं भी माँ हूँ, मैं भी जानती हूँ कि अगर अपनी बेटी के साथ इस तरह से खो तो माँ भी क्या बीतेगी। लेकिन ये अकेली माँ नहीं है जिसपे ये बीत रहा है, मेरी गाड़ी के अंदर एक और माँ बैठी थी जिसके साथ यही हुआ, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी को जलील किया गया, वो चुनाव लड़ रही है, उसकी दूसरी बेटी चुनाव लड़ रही है न्याय के लिए, और वो भी अकेली नहीं है। इस तरह से बार 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 मैं इतनी माओं से मिली हूँ जिनकी बेटियों के साथ ये हो रहा है, और हर बार मुझे कहती है कि ये सरकार मुझे मदद नहीं कर रही है, दीदी मुझे न्याय नहीं मिलेगी, मिलेगा, मेरे लिए न्याय के लिए लड़ो दीदी, कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात, मेरी बेटी को जलील किया जा रहा है, बेटी का बलात्कार किया, बेटी को मार डाला, फिर भी जलील कर रहे हो। ये हालत है प्रदेश की, और कहते हैं कि महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर दे दो। एक गैस के सिलेंडर से क्या होगा, गैस भरने के पैसे नहीं है किसी के पास, महंगाई इतनी कर ली है इन लोगों ने कि लोगों की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। किसान रो रहा है, रो रहा है। मैं ललितपुर गई, वहां किसान लाइन में खड़ा खाद मांगते हुए मर गया, उसके घर गई, उसकी विधवा ने मेरे कहा, मुझे कहा कि मैं क्या करूंगी, मेरी बेटियों का कौन देखभाल करेगा, कमाने वाला तो चले गया, क्यों खड़ा था उस लाइन में। बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, बहुत दिनों बाद आशा जागी कि इस बार मेरी खेती हो जाएगी। जाके खाद वितरण केंद्र में गया, लाइन में खड़ा हुआ, डर लगा कि मैं लाइन छोड़ दूंगा, घर जाऊंगा खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं फिर मेरी खेती नहीं होगी। क्या हुआ, वहीं पे दम तोड़ दिया, 2-3 दिन खड़े खड़े वहीं पे दम तोड़ दिया, खाद नहीं मिली उसे। किसान ने आंदोलन किया, किसान को कुचला गया, अपनी जीप में मंत्री का बेटा आया, सबके सामने हजारों गवाह हैं, 6 किसानों को कुचल डाला। सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि आपकी सरकार है, इस सरकार ने आपके लिए क्या किया, मैं बताती हूँ क्या किया। मंच पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उसी मंत्री के साथ आज भी खड़े होते हैं, रिहा कर दिया उसको, उसके बेटे को जमानत मिल गई है, रिहा कर दिया उसको। और जिन परिवारों से मैं मिली, जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों को कौन देखेगा, उनको कौन पूछेगा? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों सो रहे हो, क्या दे रही है ये सरकार तुमको? निर्भर कर रही है एक बोरे राशन पे, और आप जाग नहीं रहे हो। जागो,
मेरी बहनों जागो, मेरे भाइयों जागो, यहाँ के नौजवानों जागो, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। किसी नेता का धर्म इतना बड़ा नहीं होता कि वो जनता की सेवा ना करे। सबसे बड़ा धर्म यही है हर नेता का। किसी धर्म ने नहीं सिखाया है, किसी धर्म ने नहीं सिखाया है कि लोगों का बंटवारा करो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सब धर्मों ने यही कहा है सेवा सर्वोपरि है। तो जो आपके सामने धर्म की बात करते हैं उनसे कहिए पहले सेवा करके दिखाओ, पहले सेवा करके दिखाओ, 5 सालों में क्या किया है हमारे लिए ये बता के दिखाओ। कुछ नहीं बता पाएंगे बहनों और भाइयों, मुंह बंद हो जाएगा उनका, क्योंकि जब भी आपके सामने आते हैं आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम फंड ट्रांसफर कर देंगे, कोई कहता है 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपको तो नहीं मिले ना, फिर भी आपने वोट दे दिया, फिर भी आपने भरोसा किया। लेकिन समझ लो कि अगर 5 साल और आपने गवा दिए तो ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं इनको रोजगार कभी नहीं मिलेगा, ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं ये सुरक्षित कभी नहीं होंगी। मन बनाइए, ये राजनीति जो है ना ये आपके लिए होनी चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। जितने भी नेता आकर आपके सामने अपने बढ़ावे की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में सत्ता मिल जाए, खरीद के मिल जाए, पैसे बांट के मिल जाए, वोटों के समय धार्मिक जज्बात उभार के मिल जाए, किसी भी तरह से सत्ता में रहना है, बस यही लक्ष्य है इनका। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये पार्टी पिछले 3 सालों के लिए आपके लिए लड़ रही है। जहां आप पर मुसीबत आए हम सब आपके पास पहुंचे, किसानों के पास पहुंचे, बेरोजगारों के पास पहुंचे, महिलाओं के पास पहुंचे, जहां बलात्कार हुआ, जहां कत्ल हुआ हम पहुंचे। हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी और अपना धर्म समझते हैं। हम समझते हैं कि सेवा ही हमारा धर्म है, कि आपने हमें यहां बिठाया तो हम भी हैं। अब यही बात भाजपा के नेताओं को समझाओ, यही बात समझाओ, और अपने कानपुर को एक बार फिर सक्षम बनाओ। यहाँ के बिजनेस, यहाँ के छोटे दुकानदार, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, सबको सक्षम बनाओ, सबका विकास कराओ। यही आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका भविष्य बनाना है, उनका भविष्य इन बातों में मत गवाओ। यही कहने आई हूँ मैं आप सबसे। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी नियत को समझते हो। आप में बहुत विवेक है, आपने देखा है कि कौन लड़ रहा है आपके लिए, दिन रात हम लड़ रहे हैं, हमारी नियत आप पहचानते हैं। मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कभी नहीं कहते हम इसको, इस बात को कभी नहीं आगे लाते, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रही हूं, सेवा करते करते शहीद हुए और हर रोज उनको जलील किया जाता है, क्योंकि इनको शहादत के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ खोखली बातें करते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि जब दिल सचमुच इस देश के लिए धड़कता है उस जज्बात को नहीं समझते हैं। सब खोखला है, सब नाटक है, चुनाव आता है सब शुरू, चुनाव खत्म होता है सब गायब। जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश का भ्रमण, पंजाब का भ्रमण, गोवा का भ्रमण, चुनाव नहीं होता तो अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, सारे देश का भ्रमण हो गया। यहाँ किसान का बकाया 14,000 करोड़ है, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज है मोदी जी के, 2 हवाई जहाज। इनके उद्योगपति दोस्तों के लिए सारे पीएसयू बेच डाले और जो नहीं बिके उनकी बेचने की योजना शुरू, क्यों बेचे जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ दो लोगों को, पूरे देश के बंदरगाह, पूरे देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कें, क्या बेचेंगे? कुछ छोड़ा ही नहीं। कहते कांग्रेस ने क्या बनाया 70 साल से, जो भी अगर कांग्रेस ने बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या?
रहे, स्थिति है। आप समझ लीजिए, पहचान लीजिए कि आपके सामने क्या हो रहा है। अगर आप आज नहीं पहचानेंगे तो आप अपने प्रदेश को 5 साल बर्बादी के कगार पे ले जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, करिश्मा उसकी छोटी बच्ची है, कहाँ करिश्मा, छोटी बच्ची है लेकिन दिन रात आपके लिए काम करती है, आपके लिए समर्पित है। आपकी दर्द को समझती है, ये आपको नहीं छोड़ेगी। चुनाव में उसको जिताओ, उसको जिताओ, भविष्य बनाओ, जो आपके हित में काम करे, जो आपके विकास के लिए काम करे। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है आपने, सबको परख लिया है। 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, सपा को परखा, भाजपा को परखा, सपा को परखा, क्या मिला आपको? मैं बताती हूँ, यहाँ आई मैं खंडे घर, खंडा घर है यहाँ, उसके पीछे के रास्ते से आए, इतना कचरा मैंने किसी भी शहर में नहीं देखा है। 1 किलोमीटर सिर्फ कचरा ही कचरा। क्या ये है आपका भविष्य? समझ लीजिए, एक उज्जवल भविष्य है इस प्रदेश में, सब कुछ है, खेती है, खाद है, रोजगार, मतलब नौजवान है जो काबिल है, पढ़े लिखे नौजवान है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाएं हैं जो सशक्त है, हुनर है, कहीं पीतल बन रहा है, कहीं लेदर बनता है, कहीं कुछ और बन रहा है, सारा हुनर है, सब कुछ है, इस प्रदेश में बर्बाद हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी समझो, इस प्रदेश को बचाओ, इस प्रदेश को सही रास्ते पे लाओ, विकास के रास्ते पे लाओ। चुनाव में कोई और बात नहीं होनी चाहिए, कोई और बात नहीं, सिर्फ के बाद सिर्फ आपको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आपके हित में कैसे काम किया जाएगा, बस यही मांगो हर नेता से। नहीं देगा तो खदेड़ दो उसको, शक्ति है तुम दो, शक्ति को इस्तेमाल करो, यही कहने आई थी मैं। माफ करिए, थोड़ा सा मेरा भी जज्बात उगला, क्योंकि पूरे दिन में कानपुर में हूँ, मैं देख रही हूँ कि कितनी समस्याएं हैं। मेरे पास जो महिला आई, मुझे बहुत दुख हुआ उससे मिलकर, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया है, बर्दाश्त के बजाय अपने प्रदेश को बदलिए, अपने देश को बदलिए, सही रास्ते पे लाइए, विकास कराइए अपना। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी तो आपने बताया कि नहीं? आपने बताया अपने भाषण में? करिश्मा जी ने मुझे अभी बताया कि यहाँ पे 50 बस्तियां हैं जिनमें मालिकाना हक की बात बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है। हम वो हक आपको देना चाहते हैं। हमारे 3 घोषणा पत्र हैं, 1 युवाओं के लिए भर्ती विधान है, 1 महिलाओं के लिए शक्ति विधान है, और 1 तीसरा उन्नति विधान। इन 3 घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि हम किस तरह से विकास करना चाहते हैं। हमें नकारात्मक बातें नहीं करनी है, सकारात्मक बातें करनी है। इसमें जो भर्ती विधान है उसमें हमने नौजवानों को ये समझाया है कि जब हम कहते हैं कि हम 20 लाख रोजगार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम चाहते हैं कि आप जाने कहां से आएंगे ये रोजगार, किस तरह से। कोई नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, हम उसे 5 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज पे दिलवाएंगे, किस तरह से हम 12 लाख खाली पद भरेंगे, किस तरह से हम 8 लाख नए रोजगार बनवाएंगे, उसमें से 40% महिलाओं को मिलेंगे, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्या क्या करेंगे, सुरक्षा के लिए 100% हम पुलिस में, 25% हम भर्तियां महिलाओं की करना चाहते हैं ताकि पुलिस स्टेशन में महिला मिले। आपकी सेहत के लिए हम अलग एक कमरा हर पीएच, हर हॉस्पिटल में जो ब्लॉक स्तर का अस्पताल है उसमें करवाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको महिला डॉक्टर मिले। आपकी शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए जो भर्ती की इतनी बड़ी समस्या है, आप इतने इम्तिहान देते हो, बार बार रद्द होते हैं, पेपर लीक होता है, तमाम मुश्किलें आती है, ऐसे नौजवान है
नहीं है। हमने कहा है हम एक कैलेंडर बनाएंगे और उसके साथ एक कानून बनाएंगे। उस कैलेंडर में हर भर्ती का जिस दिन इम्तिहान है, जिस दिन रिजल्ट है, जिस दिन आपको भर्ती मिलेगी, 6 महीने से ज्यादा नहीं। और कानून बनाएंगे कि अगर किसी अधिकारी ने इसे रोकने की कोशिश की या इसमें बाधा डाली तो उसका सस्पेंशन होगा। इसी तरह से हम कानून बनाएंगे कि जब महिला पर अत्याचार हो उसका अगर FIR उसके पक्ष में जो दर्ज करना है वो नहीं किया गया 10 दिनों में तो सस्पेंशन होगा। इस तरह की चीजें हमारे बारे में सोच रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं एक राजनीति है जो आपके बारे में सोचती है, जो आपको आपका विकास चाहती है और आपके लिए काम करना चाहती है। तो जरूर ऑनलाइन और जहां भी आपको उपलब्ध हो हमारे कांग्रेस के जितने भी ऑफिस है उसमें से एक घोषणा पत्र लेकर इनको जरूर पढ़िए और समझिए कि कैसी कैसी चीजें आपके लिए हो सकती है अगर सही सरकार की नीयत ठीक हो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें